जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आज टेन्योर खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि अजय मनोज सिन्हा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहुंचे और सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ इन पांच सालों में यानी कि 2018 से लेकर 2023 तक इन पांच सालों में जो कार्य जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किए गए हैं उन पर बातचीत की गई और कॉर्पोरेटर्स को सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताती चलूं कि जम्मू कश्मीर की तमाम अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि 26 दिसंबर तक जो है उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि डिसॉल्व हो जाएगा। और आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो डिसॉल्व हो गया है। और जिस तरीके से अगर चुनाव की बात करें तो लगातार पिछले समय ये देखने को मिला कि जो चुनाव अर्बन लोकल बॉडीज के हाल ही में होने वाले थे उन अर्बन लोकल बॉडीज चुनाव को जो है वो डेफर किया गया, पोस्टपोन किया गया। और अब कहीं ना कहीं अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव को लेकर भी आम जनता जो है वो बातचीत करते हुए नजर आ रही है। और इसको लेकर क्या कुछ कहना है कॉर्पोरेटर्स का, मेयर, डिप्टी मेयर का, कमिश्नर का, उनसे बातचीत करते हैं। मेयर राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, अलजी मनोज सिन्हा के द्वारा आज सम्मानित किया गया कार्य, इन जो पांच सालों में कार्य किए हैं उन पर बातचीत की गई, आप किस तरीके से देखिए? ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पीआरएस, उनको स्ट्रेंथन करना माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है, और उसको धरातल पर यहाँ जम्मू कश्मीर में उतारा माननीय उपराज्यपाल जी ने। और आज उन्होंने यहाँ आकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गरिमा बढ़ाई है और सबको एक हौसला और आशीर्वाद दिया है कि जनता में जब आपने काम करने हैं तो जनहित और समाज हित में ही जब काम होंगे तभी लोगों का भला होगा और उनका विश्वास आएगा जी। और आपने देखा पिछले एक साल में यहाँ लोग रात्र को भी आते रहे हैं और 10 बजे भी उनका जो हमारे यहाँ स्टाफ है जीएमसी का रिस्पॉन्ड करता रहा है, और ख़ासकर जो मेरा पर्सनल स्टाफ था वो तो 11:30, 11:30 बजे तक यहाँ बैठता था। तो उन सब की मेहनत से आज जम्मू में एक विश्वास जागा है कि हमारी सुनवाई होती है, हमारे काम होते हैं जी। और ये बहुत बड़ी बात है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, जिसने अपना वर्क कल्चर चेंज करते हुए लोगों में ये विश्वास लाया है। और वही तो हमारा मूल मंत्र और मूल ऑब्जेक्टिव है जनतंत्र का, कि लोगों की सुनवाई हो, लोगों में विश्वास हो, और वही जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करने का प्रयास किया है। आज जी मनोज सिन्हा जी ने चीफ सेक्रेटरी और डिपकॉम आईजी जम्मू उन्होंने सबके आके आज हमारा टेन्योर खत्म हो रहा है, आज लास्ट दिन है, उन्होंने आके हमें सहयोग किया है। मैं बड़ी बात है कि सिन्हा साहब खुद हमारे बीच में आए और हमारे साथ इंटरेक्शन की, तो अच्छा है। पाँच साल कार पार्षदों ने काम किया, अच्छे तरीके से किया, एक अच्छा लोगों का सहयोग भी मिला, एक परिवार की तरह काम किया, जम्मू के विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, इस बार कोई कमी नहीं थी। ठीक है, छोटे मोटे काम रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में काम किया और एक अच्छे माहौल में हमारी बधाई समारोह भी हो रहा है। देखिए, एक तरफ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टेन्योर खत्म हो रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की आम जनता को अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, उसके लिए क्या कहें? ऐसी कोई बात नहीं है, टेन्योर खत्म हुआ है, कॉर्पोरेटर जो हमारे हैं वो अभी भी ग्राउंड पे रहेंगे, काम करेंगे। ठीक है, ऑफिस नहीं रहेगा, हाउस नहीं लगेगा, लेकिन अधिकारियों के साथ संपर्क संबंध करके लोगों की समस्याओं के लिए जब तक नई कॉर्पोरेशन नहीं बनती, एक एक कहीं ना कहीं आम जनता को दफ्तरों के धक्के काटने पड़ेंगे। कोई धक्के नहीं काटने पड़ेंगे, कॉर्पोरेटर उनके डोरस्टेप पे अवेलेबल हैं, एक्स कॉर्पोरेटर अवेलेबल हैं, काम उनके होंगे वैसे ही होंगे जैसे हो रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएंगी। आज बहुत बड़ी बात गवर्नर साहब ने कही है कि बहुत फंड्स हम दे रहे हैं, जून 2024 से पहले मुझे नहीं लगता कोई काम बचेगा, हम वो कोऑर्डिनेट करके इनके साथ और धरातल पे वो काम उतारेंगे ताकि कोई काम बचे नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं बात नहीं। अर्बन लोकल बॉडीज के हाल ही में चुनाव होने वाले थे लेकिन पोस्टपोन कर दिए गए, तो क्या एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा चुनाव को लेकर बातचीत की गई? हाँ, मनोज सिन्हा ने बहुत बड़ी बात कही कि चुनाव हम लोग पूछते हैं जम्मू के लोगों को, उन्होंने कहा कि चुनाव क्यों नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि इसके लिए जो हदबंदी है इसको किया जाए, रिजर्वेशन कुछ सोसाइटीज़ को नहीं दी गई थी, उन सोसाइटीज़ को रिजर्वेशन दी जाए, उसके बाद होगी और जल्द चुनाव होंगे, उन्होंने खुद कहा। आज हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टेन्योर जो है वो ख़त्म हुआ और हमारे जितने भी माननीय पार्षदगण हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य पिछले पाँच वर्षों में किया। हमारा जो नंबर ऑफ़ वर्क्स थे वो ओवर द पिछले पाँच साल में वो 20 गुना तक बढ़े, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुआ और हर वार्ड में हमारे पार्षदगणों ने काम किए,
और आने वाले समय में भी जो है वो इसी टाइप से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू को बेहतर बनाने के लिए काम करती रहेगी। और जम्मू नगर निगम ने, हमारे सभी पार्षदों ने, जितने भी अधिकारीगण हैं और पार्षदों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, और उसके लिए मैं अपने जितने भी हमारे पार्षदगण हैं उनका धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमेशा जो है वो कमिश्नर के साथ भी जो है वो कॉपरेशन किया, जिसके वजह से ही ये कार्य जो है वो सफल हो पाए। देखिए, एक तरफ टेन्योर खत्म हुआ है, दूसरी तरफ आम जनता के लिए मुश्किलात भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिएगा, जो लोगों को सर्व करना कॉरपोरेशन का लगातार काम है, तो हमारा हाउस का टेन्योर खत्म हुआ है, लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लगातार कार्य करती रहेगी लोगों को जो है वो सुविधा देने के लिए और जम्मू शहर को बेहतर बनाने के लिए। जो आज प्रोग्राम रहा जहाँ सम्मानत का, मेरे ख्याल में 40% से भी ज़्यादा लोग नहीं आए थे। इस जो जहाँ पे आज इन्होंने जो रखा था सम्मानित प्रोग्राम, तो इसी से पता चलता है कि लोग कितने खुश थे जहाँ कॉरपोरेशन के काम से। तो मैं ये कहूँगा कि जो 60 महीने हमारे गुजर गए हैं, आज तो ये डिज़ाल्व हो चुकी है, ख़त्म हो गया इसका पीरियड। 60 महीने में हमारे एक्ट के मुताबिक, ला के मुताबिक हर महीने एक मीटिंग करनी बड़ी ज़रूरी थी, जिसमें हम लोग अपनी बात रखते। इन्होंने 60 महीने में सिर्फ 22 मीटिंगें की, तो आप देखो कितना अच्छा तेज़ी से काम चलेगा। जो बंद 4-4 महीने के बाद मीटिंग्स हो रही हैं, तो काम भी ऐसा ही स्लो चलेगा। तो आज बात करते हैं जी, पैसा बहुत ज़्यादा जो है वो बाड़ों में गया, आज लोगों से रेवेन्यू आ रहा है, पहले रेवेन्यू नहीं आता था, तो ये रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू से नेचुरली पैसा बढ़ेगा। और आज का जो एस्टिमेट है, जो पहले 5 लाख का में काम होता था, आज 20 लाख में हो रहा है, उसकी तरफ नहीं ये लोग देख रहे। इतनी करप्शन है कॉरपोरेशन के अंदर कि हम कई बार जहां हाउस में बोल चुके हैं उस पर कोई लगाम नहीं लगा। तो बड़ी पहल है कि उन्होंने कॉरपोरेशन में, जब कॉरपोरेशन का टाइम पूरा हुआ और उस टाइम पे आया, और मैक्सिमम जितने भी सारे कॉरपोरेटर हैं उसमें कुछ हमारे एक्स कॉरपोरेटर थे, एक्स मेयर वगैरह थे, उनको भी बुलाया था, सबको उन्होंने सम्मानित किया है। और मैं इसके लिए बड़ा अच्छा है कि उन्होंने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आके सारे कॉरपोरेटर को सम्मानित किया और उनके जो काम हैं वो भी सुनवाए हैं। तो एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे एलजी साहब आते हैं और अपनी ये बातें जरूर बताते हैं कि अपने जो भी कार्य में काम हुए हैं वो सुनाए जाते हैं, और उसके अलावा कभी ऐसा भी होना चाहिए कि जो पब्लिक के काम हैं वो भी सुनने चाहिए कि पब्लिक के क्या काम हैं, क्या वर्क हैं, क्या उनको ज़रूरत है, क्या समझते हैं, उनके लिए पूछना चाहिए। और उन्हें सिर्फ अपनी बात रखनी होती है, अपनी बात रखनी होती है, वो अपनी बात रख के तो चले जाते हैं। इन 5 सालों में जो कार्य जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किए गए हैं, उन कार्य पर बातचीत की गई और सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव को लेकर ही कहा गया कि जल्द से जल्द अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी करवाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ मुश्किलात आम जनता की बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। आपकी इसको लेकर क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।